दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑटो पे को कैसे ऑफ करना है। जैसे कि देखो हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिक 270 रुपये कट चुका है ये वाला, और भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 17 मार्च को मेरा कटा है 199 रुपये ऑटोमेटिक। यहाँ पे ऑटो पे का लोगो भी है, यहाँ पे देख सकते हो। और भी आपको दिखाता हूँ, जैसे कि दिखाता हूँ नीचे की तरफ यहाँ पे, और ये रहा देखो 23 फरवरी को मेरा 169 रुपये ऑटोमेटिक कट चुका है, और यहाँ पे देखो 22 फरवरी को भी 270 रुपये ऑटोमेटिक कट चुका है, और यहाँ पे 199 रुपये ऑटोमेटिक कट चुका है 17 फरवरी को। तो ये क्या होता है कि हमारे बैंक से ऑटोमेटिक मंथली मतलब पैसा कटते रहता है। तो ये क्यों कटता है और कैसे इसको ठीक कर सकते हो? जैसे कि ऑटोमेटिक पैसा कटता है ना, तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो, चलो मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपल तरीका में, ठीक है। लेकिन उससे पहले जान लो कि आखिर ऑटो पे हमारा होता क्यों है, ये क्यों कटता है। तो देखो बहुत बार क्या होता है कि आप किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, जैसे कि प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, उसका प्रीमियम खरीदते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो वैसे में क्या होता है जब पेमेंट करते हो ना, तो पेमेंट करते टाइम ऑटो पे ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है। और अगर ऑटो पे इनेबल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कटते रहेगा। जैसे कि मान के चलो अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हो, YouTube चलाते हो और आप YouTube का प्रीमियम वर्जन ले रखे हो, तो वहां पे जो पेमेंट करते हो ना, तो पेमेंट एक महीने का करते हो, लेकिन क्या होता है कि जब आपका पेमेंट खत्म होता है ना, तो फिर ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। तो कटता इसलिए है क्योंकि ऑटो पे ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। तो चलो मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप ऑटो पे को ऑफ कर सकते हो, अगर आपका भी ऑटो पे सेट हो गया गलती से, या तो अगर आप जानबूझ के भी किए हो और उसको ऑफ करना चाहते हो, तो कैसे ऑफ कर सकते हो, चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा साइड में, यहाँ पे आपको कर देना है इसके पर क्लिक। जब आप इसके पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सिक्योरिटी रीजन के लिए मैं अपना ब्लर कर दिया हूँ, अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे UPI ID, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट चीज़ है तो उसको शेयर नहीं करना चाहिए। अब देखो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक ऑप्शन, यहाँ पे देखो पेमेंट मैनेजमेंट का, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट मैनेजमेंट मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ये वाला। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे मिल जाएगा यहाँ पे ऑटो पे इंटरनेशनल और UPI सेटिंग, तो आपको ऑटो पे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपका जो जो पैसा कटा है सारा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि देखो मेरा ये सब पैसा कटा है, ये देखो नेटफ्लिक्स का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था जिसमें 199 रुपये कटता है, 17 मार्च को कटा है। और ये देखो एप्पल सर्विस लिया था तो इसमें भी 169 रुपये कटा है, और ये देखो इसका भी कटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बहुत सारा। तो अब देखो कि इसको कैसे हटाना है यहाँ से, ठीक है, ऑटो पे को। तो जैसे कि मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि देखो पेमेंट सक्सेसफुल है, हमने पे किया है, यहाँ पे 17 मार्च को ये ऑटोमेटिक पे हो गया है, बट अब मुझे आगे से पेमेंट नहीं करना है, मुझे इसको ऑफ करना है। तो ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो मिल जाएगा, ये देखो यहाँ पे ऑटो पे इज एक्टिव आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसको यहाँ से होल्ड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे की तरफ मिलेगा ऑप्शन, ये रहा डिलीट ऑटो पे, करते हैं कंफर्म। अब देखो ये हमारा जो ऑटो पे है डिलीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको UPI पिन डालना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे मैं अपना UPI पिन डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ऑटो पे डिसेबल हो गया है, मुझे यहाँ पे मैसेज भी मिल चुका है, ये देखो सक्सेसफुली ऑटो पे हैज़ बीन डिलीटेड, मतलब ऑटो पे डिलीट हो चुका है, अब इसमें मेरा पैसा ऑटोमेटिक नहीं कटेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कितना आपका ऑटो पे है। जैसे कि देखो 1, 2, 3, 4, 5 मेरा और भी है, तो 5 में मेरा पैसा कटते जाएगा। तो मुझे क्या करना है, सबको ऑफ करना है। तो ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल तरीका है, बहुत ही आसानी से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कि जिसको ऑफ करना चाहते हो, मान के चलो इसको ऑफ करना चाहते हो, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आप चाहो तो इसको फ्यूज़ कर सकते हो, देखो यहाँ पे फ्यूज़ का आ रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करके आप चाहो तो इसको रोक सकते हो, या तो अगर आप चाहो इसको हटाना हमेशा के लिए, तो यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे UPI वगैरह डालना, फिर ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने ऑटो पे को आसानी से हटा सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।